ने काफी सारे फॉरेन अकाउंटिंग बॉडी से बात भी की होगी, काफी सारे इंटरेक्शन भी आपने किए होंगे, तो क्या लग रहा है आपको अगर इंडियन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को देखें और ग्लोबल पीयर से अपने बाकी इमर्जिंग इकोनॉमी से कंपेयर करें, तो भारत का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है? इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हम लोगों का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप और देशों की तुलना करिए उसके हिसाब से भी वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है। हम लोगों के यहाँ हर चीज आज के दिन टैक्स पेयर्स को ऑनलाइन ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप पहले आज से 15 साल पहले का देखें तो रिटर्न जमा करने के लिए बड़ी लंबी लाइनें होती थी, टैक्स जमा करने के लिए बड़ी लंबी लाइन होती थी, घंटों लोगों को खड़े रहना पड़ता था, लेकिन आज के दिन आप घर बैठे ये दोनों काम कर सकते हैं। फिर अगर हम और देखें तो हम लोगों का जो टैक्स सिस्टम है वो ज़्यादा इक्विटेबल है, मतलब सबके लिए एक समान है। जैसे कई सारी कंट्रीज हैं, जैसे USA है, उसमें 0 से अगर एक डॉलर की इनकम हो तो भी टैक्स लगता है। और अगर आप उनका टैक्स कलेक्शन देखें तो जो इंडिविजुअल लोग जो टैक्स देते हैं, इंडिविजुअल और जो कंपनीज टैक्स देती हैं, तो इंडिविजुअल्स लोग कंपनीज से बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, जबकि उनके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। मुझे याद आता है कि एक बार वॉरेन बफेट, जो कि मतलब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में हैं, उन्होंने कहा था कि वे 17% टैक्स दे रहे हैं और उनकी सेक्रेटरी 35% पे टैक्स दे रही है। तो इस तरह की एनोमलीज जो हैं हम लोगों के यहाँ बहुत कम हैं, तो हम लोगों का टैक्स सिस्टम अच्छा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो कि एक कमी हम लोगों की, जो एडवांस कंट्रीज हैं UK और US, उन्होंने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को हमसे बहुत एफिशिएंट बना लिया है। उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स और GST इनका एक ही कोड बना दिया है और एक ही एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इससे बहुत मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी आराम होता है, टैक्स पेयर को भी आराम होता है। और हम लोग जो हैं बहुत सालों से, पिछले 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, चाह रहे हैं कि एक डायरेक्ट टैक्स कोड ले आए इनकम टैक्स के लिए, वो भी हम लोग नहीं ला पा रहे हैं। तो इस मामले में हम लोग पीछे हैं, लेकिन हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वर्ल्ड क्लास है, ये कहने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा टैक्स सिस्टम है अगर दूसरे देशों के मुकाबले कंपेयर करें। कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, देखिए हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर देश परफेक्ट नहीं होता, तो टैक्स सिस्टम को भी यहाँ पे परफेक्ट करने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन उस तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए निकुंज जी, आज की ब्यूटी यही है कि हर टैक्स एक टॉपिक है लेकिन हर एक सेक्टर से, हर एक सेगमेंट से हम व्यू समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। पैनल इतना अच्छा है हमारा, और अभी हमारे साथ वे जैन भी जुड़े हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ICAI के। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। तो जब टैक्स की बात होती है तो CA की राय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर देखना, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही सारी चीज़ों को, सारे जो कंसेप्ट हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको समझ के आसान भाषा में एक टैक्स पेयर तक लाने की कोशिश करते हैं। ICAI का रोल यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरह के प्रोग्राम और ट्रेनिंग आप पहले भी कंडक्ट करते हुए आए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। और अब जिस तरीके से नए नए नियम और टैक्स सिंप्लीफिकेशन की तरफ वित्त मंत्री का फोकस बढ़ रहा है, और क्या करने की जरूरत है? देखिए, टैक्स लॉ हर कंट्री में कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं समझना, और चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी इंडिया में एक ऐसी फ्रेटर्निटी है जो कनेक्ट है टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बीच। जो कानून हर साल बन के आते हैं उस कानून की समझना और एक टैक्स पेयर को समझाना और उसका कंप्लाइंस कराना, उसमें एक बहुत बड़ा रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट का। एक एग्जांपल आप 2017 से लगा सकते हैं कि जब GST आया और वो अपने आप में नया लॉ और इतना कॉम्प्लेक्स था, उसका कंप्लाइंस आज की डेट में इम्प्रूव करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया। ICAI का जो रोल है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि वो एवरी डे इतने प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम ड्राइव करता है प्रोफेशनल के लिए।
शायद आपको आइडिया होगा कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी इंस्टीट्यूट का मेंबर है उसको एक साल के अंदर 45 घंटे मिनिमम कंटिन्यूइंग एजुकेशन के प्रोग्राम अटेंड करनी जरूरी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करनी जरूरी है। आज की डेट में लगभग 4 लाख मेंबर हैं और देश में एक दिन में कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 से 60 प्रोग्राम डेली होते हैं और वीकेंड पे कम से कम 100 से ज्यादा प्रोग्राम चल रहे होते हैं विभिन्न सिटीज में, विभिन्न टाउन्स में इसके बारे में। और उन प्रोग्राम के अंदर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, उनको जितने मेंबर्स हैं उनको अटेंड करते हैं, उनको नए कानून को समझना उसमें क्या कम्प्लेक्सिटी है, क्या उनकी कंप्लायंस के इश्यू है वो होते हैं। और उसी रीच आउट में बहुत सारे प्रोग्राम चैम्बर और इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ किए जाते हैं, टैक्स पेयर के साथ किए जाते हैं, ताकि समझाने में टैक्स पेयर को कि नया कानून ये आया है, इसमें ये आया है। आप देखिए पिछली जो भी गवर्नमेंट ने स्कीमें लाई, चाहे वो वॉलंटरी डिस्क्लोजर की स्कीम आई, चाहे वो स्कीम आई आपकी कंप्लायंस करने के लिए विवाद से विश्वास की आई, टैक्स पेयर को समझाने में रखता हूं। एक मैं दुखती रग पे हाथ रखता हूं जो शायद सबकी दुखती रग है इस पूरे रूम के अंदर, कि भाई टैक्स ज्यादा तो कोई नहीं देना चाहता है। अगर मैं इंडिया का टैक्स रिजीम देखूं, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो चुके हैं मगर जो डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स है उसमें अभी बड़ा कोई रिफॉर्म बोल करके नहीं आया है। और इट हर्ट्स यू व्हेन यू सी दैट भाई आप गाड़ी लेते हैं आपको डिप्रिसिएशन बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको एज ए सैलरीड एम्प्लॉय फिरोज भाई बड़े बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो ये आपकी भी दुखती रग है, पूजा की भी दुखती रग है, आपकी भी दुखती रग है, ये दुखती रग का क्या इलाज है? हर मर्द का इलाज होता है, ये इसका क्या इलाज है? बिल्कुल सही कहा, कोई इलाज नहीं है इसका। आई थिंक देखिए अब सेक्शन 44A और सेक्शन 44AD एक बिजनेस एंड एक प्रोफेशनल्स को काफी एग्जेम्पशन देता है। अगर आप एक छोटा बिजनेस है, आपका टर्नओवर 3 करोड़ के नीचे है और आप पूरे कैश रिसीट्स नहीं लेते और बैंक अकाउंट क्रेडिट लेते तो 6% की टैक्स देनी पड़ती, 6% को प्रॉफिट मान के आपको एक PNL भी मेंटेन नहीं करना पड़ता। अगर आप एक प्रोफेशनल हो 75 लाख तक कमा रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, मतलब इतनी 30-35% की रेट में। बट अगर आप देखते हो सैलरीड एम्प्लॉय, उसके ना तो कोई सेक्शन है जिसमें वो नॉर्मल टैक्स पे कर सकता है। आज अगर आप देखते हैं इनकम टैक्स की जो लेटेस्ट डेटा है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि लोग बाग जो एग्जेम्पशन यूज कर लेते हैं वो अपनी टैक्स को इतना बचा लेते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक ही सीधा बंदा होता है जो सैलरीड एम्प्लॉय है, उसकी EPFO में पूरी डिटेल है, उसमें कहीं कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, तो उसको टैक्स ज्यादा। रुमाल नहीं निकाल रहा हूं, इतने आंसू आते हैं जब ऐसा कोई बोलता है। करेक्ट। आप देखिए 15 लाख से ऊपर कमाने वाले इंडिया में 15-20 लाख लोग ही है जी हाँ, बट फॉरिन की छुट्टी लेने वाले 3 करोड़ यूनिक लोग जी हाँ। तो अब अगर आप देखेंगे कि उनका बर्डन एक ट्रांसपेरेंट प्रोफेशनल को लेना पड़ रहा है, क्योंकि उधर बहुत सारी लोग रियायतें ले लेते हैं और छूट जाते हैं। आई थिंक जब तक कि वो नहीं होगा तब तक इधर बेनिफिट नहीं दे पाएंगे।